आपके साथ सरकार चल रही है, अगर आप ही नहीं सुनिएगा, सरकार को गुमराह कीजिएगा, कल चुनाव में जाएंगे, पब्लिक हमसे हिसाब लेती है, बगल में भाजपा के विधायक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि पुल बने ना बने, उनको तो अच्छा है कि चुनाव में बोले इरफान से पुल नहीं बना पाया। सदन के बाहर इरफान अंसारी जी बैठे हुए हैं, इरफान जी क्या डिमांड है, बाहर क्यों बैठे? देखिए, मेरे जामताड़ा विधानसभा के अंतर्गत बीरबिंदिया पुल आप जानते होंगे कितना महत्वपूर्ण पुल है, अगर वो पुल बन जाएगा तो आप रांची से जाइएगा जामताड़ा या साहेबगंज, हमें लगता है 80 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा, सड़कें हम बनवा दिए हैं, पुल नहीं बन पा रहा है और 14 लोगों की जान चली गई। एक साल पहले वादा किया गया था कि पुल बनेगा, हम विभाग गए तो पदाधिकारी जानते नहीं बीरबिंदिया कहाँ है, इसको लेकर मैं बैठ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि ये पुल बने, लेकिन ऑफिसर साहब, ऑफिसर को पता नहीं चलता क्या है, इसलिए ये जो धरना हम दिए हैं ऑफिसर को जताने के लिए कि आप लोग थोड़ा समझिए, आपके साथ सरकार चल रही है, अगर आप ही नहीं सुनिएगा सरकार को गुमराह कीजिएगा, कल चुनाव में जाएंगे, पब्लिक हमसे हिसाब लेती है, बगल में भाजपा के विधायक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि पुल बने ना बने, उनको तो अच्छा है कि चुनाव में बोले इरफान से पुल नहीं बना पाया, तो ऐसे मुद्दे आएंगे सामने। सीएम से भी मिल करके बातें बोले हैं या फिर बोलेंगे? मैं जा रहा हूँ, आज मैं बोलूँगा, इसको पक्का बोलूँगा। नियोजन नीति को लेकर के एक बड़ा सवाल है इरफान जी, और युवा आप लोगों को इसलिए सुनना चाहते हैं कि आप बोलते भी हैं, नियोजन नीति का मसला अब तक नहीं समाधान हो पाया है, विपक्ष के विधायक आज यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं देखिए, राज्य बने 22 साल हो गया और अभी तक हम लोग एक नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, भाजपा के विधायकों को भी कहा, भाजपा के जो अध्यक्ष उनको ही बुलाया है, युवाओं को भी बुलाया है, जो युवा आंदोलन करते हैं उनको ही बुलाया है, आइए अपना राय दीजिए और झारखंड को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनका ये सोच है। और तो 3 साल में हो क्यों नहीं पा रहा है, आप बार बार दूसरा से सहयोग क्यों मांग रहे हैं सरकार में? आप देखिए, सरकारें चलती हैं तो बहुत से लोग चलते हैं, अब नीति तो हम लोगों ने बना दिया, कोर्ट ने रद्द कर दिया, बनाए तो जरूर हम लोग आगे तो बढ़े, अब एक रिसंशोधन हम लोग करना है, लेकिन मैं अपने आवाम को, झारखंड वासियों को कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप एश्योर रहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जो अब जो नियोजन नीति लाने वाले हैं सबका ख्याल रखेंगे। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में कल संभवतः आए प्रस्ताव, क्या आपको ऐसा उम्मीद है? हो सकता है, आ सकता है। देखिए, मैं तो कैबिनेट में बैठता नहीं हूँ, मैं अपने आप लोग की बातों से जो छन कर आता है उस पर भी बोलता हूँ, आप प्रे कीजिए कि मैं बैठूँ। तो ये इरफान अंसारी हैं जो बोल रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है लेकिन नियोजन नीति ठोस तरीके से अब तक नहीं बन पाया है, लेकिन इरफान अंसारी ये भी बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है प्रयासरत है और जल्द ही युवाओं के हित में नियोजन नीति बनाया जाएगा। शुक्रिया। www.thefollowup.in